हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश पांडे डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में नया जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, नया टॉपिक जो आपका है वो आपका टॉपिक है जो प्रीवियस टॉपिक में जो डिस्कस किया था उसमें आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर जो डिस्कस करना है मुझे वो डिस्कस करना है कि जो एरे एलिमेंट एरे है उसमें एलिमेंट हम कैसे स्टोर करते हैं, यानी हाउ टू स्टोर या हाउ टू इंटर या हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन एन एरे। तो सपोज यू हैव एन एरे, अगर हमारे पास कोई एरे है, सपोज यू हैव एन एरे एंड वी इंसर्ट द एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास कि अगर कोई एलिमेंट है, एरे है, और उसमें अगर कोई आप एलिमेंट इंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये होनी चाहिए कि एरे की जो वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एल भी होगा, क्लियर, और क्या होगा आपके पास यू भी होगा, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होगा और लोअर एंडिंग पॉइंट होगा। एल भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, 1, 2 और 3, और ये अपना कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक है, n-1 तक आएगा, यू भी क्या होगा हमेशा n-1। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो n-1 होगा, और अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, n होगा। अब पहली कंडीशन क्या है कि एरे हमारे पास अगर कोई हमें कहीं एलिमेंट इंटर करने या स्टोर कराने या इंसर्ट कराने हैं तो कम से कम थोड़ी बहुत स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्पेस मतलब जितनी स्पेस वो पर्टिकुलर एलिमेंट लेना चाहता है वो स्पेस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई क्लासरूम है, ठीक, अब इस क्लासरूम में मान लीजिए हमारे पास 30 की स्ट्रेंथ है और हमारे पास 30 स्टूडेंट अवेलेबल हैं पहले से, तो क्या हम 31 स्टूडेंट स्टोर कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट स्टूडेंट स्टोर कर सकते हैं, तो नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि हमारी एरे क्या है, आपकी एरे अभी क्या है, एम्प्टी नहीं है, आपकी एरे क्या है, एम्प्टी नहीं है आपकी एरे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यानी आपका क्या होगा, ये एन माइनस एन क्या है, यू भी है, एन माइनस एन क्या आपका, एन माइनस एन क्या आपका, यू भी है। यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, और मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ये यू भी है, अगर यू भी की वैल्यू, अगर यू भी, ठीक, यू भी हमारा क्या हो, अगर यू भी हमारा एन माइनस वन के इक्वल हो, अगर यू भी एन माइनस वन के इक्वल है तो हमारे पास पर्टिकुलर एरे में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स हम एलिमेंट इंटर या इंसर्ट नहीं कर सकते पहले चीज। तो अगर ये चीज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 है 2 है और 3 है, यानी ये क्या आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है, तो अगर ये आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास एलिमेंट्स क्या है, डिफाइन है, यहाँ पर एलिमेंट डिफाइन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट आपके पास जो है वो एलिमेंट्स हमें मालूम दिया हुआ है a of 3, ठीक, a of 3, तो यहाँ पर आपके पास, और यू भी कितना है, आपके पास यू भी मान लीजिए आपके पास डिफाइन है 4, क्लियर, यू भी कितना है 4 है, यू भी आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं a of 5, और यहाँ पर इंसर्ट कितने हैं, अब देखिए, ठीक, अब देखिए इसका यू भी कितना है, अब देखिए इसका यू भी कितना है, एल भी इसका यही रहेगा, यू भी कितना है इसका 3, यू भी कितना है इसका 2, यू भी कितना है इसका, यू भी इसका 2 है। तो अब यहाँ पर और हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, ए ऑफ 5, यानी कि 5 एलिमेंट नहीं छोड़ सकते, तो चेक करते हैं, यू भी इज इक्वल टू एन माइनस 1, यू भी कितना है 2, 2 इज इक्वल टू, या इक्वल टू इज इक्वल लगा देते हैं, 2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4, क्या कंडीशन 2 है, नहीं, अगर कंडीशन 2 नहीं है इसका मतलब है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, अगर स्पेस अवेलेबल है दैट मीन्स हम वहां पर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्पेस तो हमें मिल गया, अब एलिमेंट इंसर्ट करने कहां कहां इंसर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एरे में, तो कैसे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, यानी अगर एलिमेंट मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे डिफाइन है, ठीक, वो एरे हमारे पास डिफाइन है और एलिमेंट अगर एरे में इंसर्ट करने हैं तो हमारे पास 3 स्पेस अवेलेबल होते हैं, या तो हम क्या करें, एंड पॉइंट पे इंसर्ट करें, एंड पॉइंट पे यानी इन प्लेस, यानी इस एंडिंग में हम इंसर्ट करें, ठीक, या तो पहले हम एंडिंग में इंसर्ट करें, या फिर हम कहां इंसर्ट करें, स्टार्टिंग में, स्टार्ट पॉइंट पे इंसर्ट करें, या फिर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट मतलब प्लेस,
पॉइंट मतलब प्लेस, ठीक। या फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास है कोई गिवन लोकेशन, कोई गिवन लोकेशन। नहीं, ये तीन कैटेगरी हमें स्टार्ट करनी है, पढ़नी है यहाँ पर कि ये तीन तरीके से हम एलिमेंट कहाँ स्टोर करें। इसके अलावा हमारे पास कोई कैटेगरी होती, या तो हमारे पास कहेगा कि लास्ट में इंसर्ट कर दीजिए, या फिर कहेगा कि फर्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट कर दीजिए, और या लास्ट में कहेगा कि कोई गिवन लोकेशन पे इंसर्ट करिए। तीन कंडीशन हमारी यहाँ पर बन सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, वो है आपकी एंड पॉइंट पे। क्या आपकी है, एंड पॉइंट पे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर स्टडी करना है। कहाँ करना है, इंसर्ट एट एंड पोजीशन। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले स्टडी कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है 5, यानी हमारे पास 5 है, दैट मींस हमारे पास क्या होगा 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक। 5 होगा तो 4 तक जाए, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, क्लियर। अब हमारे पास एलिमेंट है 1 है, 3 है, 2 है, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि जो डेटा इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, वो डेटा हमारे पास क्या है, मान लीजिए 6 एग्जांपल, ये इंसर्ट करना है, ठीक। अब इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारी एरे एम्प्टी है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन चेक कर लीजिए, यहाँ पर यूबी एलबी कितना है, एलबी आपका क्या है 0 है, और यूबी कितना है आपका 2 है। जहां तक एलिमेंट स्टोर होते हैं, इंसर्ट होते हैं, स्टोर होते हैं, वही उसका लास्ट यूबी होता है, ठीक। अब अगर हम यहां चेक करें कि यूबी इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यूबी कितना आपका है 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यह कंडीशन इज फॉल्स। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन वी इंसर्ट द एलिमेंट। अब इंसर्ट कर सकते हैं इसका मतलब, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इंसर्ट करना कहाँ है, ये हमें पहले पॉइंट दिया हुआ है, कहाँ इंसर्ट करना है, एंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो एंड पोजीशन पे अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम सिंपल से क्या करते हैं, ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो सिंपल सा हम क्या करते हैं भाई, देखिए हमारे पास स्टार्ट इंसर्ट कहाँ होगा, लास्ट पोजिशन, यानी एलिमेंट इसके बाद स्टोर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, दैट मींस यूबी क्या करते हैं, हम सीधा यूबी क्या करते हैं, यूबी प्लस 1 करते हैं। यूबी क्या करते हैं, यूबी प्लस 1 करते हैं। अगर यूबी को यूबी प्लस 1 कर दे रहे हैं तो हमारा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा यूबी क्या हो जाएगा, अब यूबी हमारा क्या हो जाएगा, अब यूबी हमारा हो जाएगा 3। तो क्या करना है, फिर जैसे ही हम क्या करते हैं, ए ऑफ 3 यानी ए ऑफ यूबी में क्या इंसर्ट कर दें, डेटा इंसर्ट कर, ए ऑफ यूबी में क्या इंसर्ट कर दें, डेटा इंसर्ट कर, और डेटा क्या होता है 6, यानी हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसकी एल को कैसे इंप्लीमेंट करनी वो देख लेते हैं, इसकी एल ये आपका समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इंसर्ट कर रहे हो, ठीक। अब अगर इसकी हम पर्टिकुलर एल्गो इंप्लीमेंट करें तो कैसे एल्गो इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं, एल्गो कैसे इंप्लीमेंट करना है। इंसर्ट कहां करना है, एंड पोजीशन का इंसर्ट करना है, तो इसकी एल्गो देख लेते हैं। एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इन लास्ट पोजिशन ऑफ एन एरे। अब एरे में हमें क्या करना है, लास्ट पोजिशन पे क्या करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी, इफ UB is equal to n minus 1, if UB is equal to n minus 1, then array is overflow,
एरे इज ओवरफ्लो मतलब कंप्लीट क्या है फुल है. इफ एन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एन माइनस वन देन एरे इज ओवरफ्लो. और क्या कर देंगे यहां से क्विट कर देंगे, क्विट कर देंगे. देन क्विट कर जाएंगे अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू क्विट कर जाएंगे. अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे देन यूबी में क्या हो जाए यूबी प्लस वन. यूबी क्या हो जाए यूबी प्लस वन हो जाए. और फिर क्या कर दें ए ऑफ UB में क्या कर दें ए ऑफ यूबी में हम क्या कर दें डेटा को इंसर्ट कर दें. तो ये एल्गोरिथम दो एल्गोरिथम्स है. अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं किसी गिवन लोकेशन किसी एंडिंग पॉइंट पे तो उसकी एल्गोरिथम सिंपल सी दी हुई क्या है कि सबसे पहले चेक करिए कि आपकी जो पर्टिकुलर यूबी है यानी अपर बाउंड है क्या पर्टिकुलर आपकी एरे कंप्लीटली फुल तो नहीं है. अगर एरे फुल है तो क्या करने देन द एरे इज ओवरफ्लो. और क्या कर जाएंगे हम क्विट कर देंगे. अदरवाइज हम क्या कर देंगे ए ऑफ यूबी को यूबी क्या कर देंगे यूबी प्लस वन कर देंगे और ए ऑफ यूबी में क्या हो जाएगा डेटा हो जाएगा. इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल क्या बनेगा जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे डिफाइन है. फॉर एग्जाम्पल गिवन एरे इज 1, 4, 6 एंड 0, 1, 2 और एरे की साइज दी हुई है ए ऑफ 4. ए ऑफ 4 एरे की साइज क्या दी हुई है ए ऑफ 4 दी हुई है. मैक्सिमम साइज कितनी है 4 एलिमेंट्स. ठीक. अब और हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट कितने हैं एल बी यहां पर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और यू बी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम और डेटा जो हमें इंसर्ट करना है वो डेटा आपका क्या है 8. ठीक. वो डेटा आपका क्या है 8 है. वो डेटा आपका क्या है 8 है. क्लियर. डेटा आपका 8 है. अब इंसर्ट करना है डेटा 8 है. ठीक. इंसर्ट करना है तो पहले चेक करना है पहली कंडीशन ए ऑफ सॉरी पहली कंडीशन क्या होगी यू बी इक्वल टू एन माइनस वन. यू बी इक्वल टू एन माइनस वन. यू बी यहां पर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. 2 इक्वल टू एन माइनस वन यानी कि 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 3. कंडीशन क्या हो गई फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा यूबी क्या हो जाएगा यूबी प्लस 1 यानी यूबी प्लस 1 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा यूबी कितना हो जाएगा यूबी हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3. 3 हो जाएगा. और जैसे ही 3 होगा तो क्या करना है ए ऑफ यूबी में क्या इंसर्ट कर देना है डेटा को इंसर्ट कर देना. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द एलिमेंट इन एन एरे इन लास्ट पोजीशन. इन लास्ट पोजीशन पे कैसे एलिमेंट को स्टोर करना उसके लिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताई और कैसे इंसर्ट करना उसका एक मैंने एग्जांपल आपको इंप्लीमेंट किया. आई होप आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस समझ में आया होगा. समझ में आया होगा आपको कैसे एलिमेंट इंसर्ट करना. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट आपका इंसर्ट होना है वो फर्स्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट होगा. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट को गिवन लोकेशन पे इंसर्ट कैसे करते हैं. अभी जो हम यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट किए हैं अब उसको इंसर्ट करेंगे हम फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट. उसकी भी एल्गो हमारे पास है तो उसकी एल्गो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी शेयर करिए, लाइक करिए और वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए. और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम नए से नए वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकें. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अ गिवन एरे इन लास्ट इन फर्स्ट पोजीशन. तो प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसमें वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिएगा. थैंक यू.